हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS और 100 डे चैलेंज के अंदर आपका स्वागत है। और आज के डे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं क्वेश्चंस के डिस्कशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को रीड करो। क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोनिंग वेक्टर दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम यूकैरियोटिक टू द प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा क्लोनिंग वेक्टर होता है जिसका यूज आप यूकैरियोटिक सेल में भी कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी कर सकते हो। मतलब कि इनके पास में ऐसा ओरिजिन प्रेजेंट होना चाहिए जो कि दोनों सेल या दोनों होस्ट के अंदर एक्टिवेट हो सके। मतलब हम उस ओरिजिन की बात करें जिनके पास में दो या दो से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होना चाहिए इसके रेप्लिकेशन को प्रोसीड करने के लिए, तो उस तरीके के वेक्टर को कहा जाता है शटल वेक्टर। ठीक है, तो याद रखना क्या है आपको, शटल वेक्टर कहा जाता है। और एक्सप्रेशन वेक्टर की बात करी जाए तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है जीनोम को, प्रोटीन का सीक्रेशन कराता है। बैक्टीरियोफेज जो है ये भी एज अ वेक्टर की तरह काम करता है। ट्रांसपोजोन जो है ये कट पेस्ट मैकेनिज्म के अंदर काम आता है, कट पेस्ट मैकेनिज्म के अंदर ये काम आता है। नेक्स्ट बात कर ले तो वापस से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो। क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस टू प्रिजर्व द प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर प्लांट के सेल्स और ऑर्गन को वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर प्रिजर्व किया जाता है, जो कि यहाँ पर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि यूज किया जाता है फॉर लिक्विड नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो याद रखना लिक्विड नाइट्रोजन जो कि -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है प्लांट सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन का। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ होस्ट फॉर द टीआई प्लाज्मिड सो प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक प्लांट। कौन सा ऐसा टीआई प्लाज्मिड है, लाइक अ टीआई प्लाज्मिड कौन से होस्ट ऑर्गेनिज्म या कौन से बैक्टीरियम से यहाँ पर हमें मिलता है, तो वो होता है हमें एग्रोबैक्टीरियम राइजो ट्यूमर फेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेशियंस से ही टीआई प्लाज्मिड निकलता है। वही अगर मैं बात कर लूं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, तो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस के पास होता है आरआई प्लाज्मिड। और अगर कभी मैं इनकी डिसीज की बात कर लूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा टीआई प्लाज्मिड क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, वही आरआई प्लाज्मिड हैरी रूट डिसीज कॉज करता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। थर्मस एक्वेटिकस का यूज डीएनए पॉलीमरेज की तरह किया जाता है। ठीक है, एग्रोबैक्टर स्टेफाइलोकोकस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है एक। ठीक है, नॉस्ट्रोक का यूज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि ब्रायोफाइट्स के साथ में भी या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स के साथ में एज अ एक म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, ये याद रखना सिर्फ इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर डीएनए टीडीएनए, इस टीडीएनए क्या होता है, टीडीएनए एक टीआई प्लाज्मिड होता है जो कि किससे निकाला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम से। ठीक है, टी डी एन ए ऑफ द प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ द बैक्टीरिया लाइक एग्रोबैक्टीरियम, जो कि ट्रांसफर किया जाता है प्लांट के जीनोम को, जो कि प्लांट के जीनोम को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वायरुलेंस ट्रेट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर पेशियंस इज बॉर्न ऑन। तो वायरुलेंस ट्रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, वायरुलेंस ट्रेट यहां पर होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि यहां पर नाम कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, और क्रोमोसोमल डीएनए तो इस एग्रोबैक्टीरियम का मेन डीएनए होता है। वही अगर मैं बात कर लूं बोथ क्रोमोसोमल एंड प्लाज्मिड डीएनए, तो सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए ही है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग करने का काम करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग करने का काम करता है, बाकी इसका मेन डीएनए इसको सर्वाइवल के लिए काम करता है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो होता है ये एग्रोबैक्टीरियम के सर्वाइवल के लिए काम करता है, एग्रोबैक्टीरियम सर्वाइवल के लिए काम करता है। क्रिप्टिक प्लाज्मिड की बात कर ले तो देखो, क्रिप्टिक प्लाज्मिड का ऐसा कोई मेजर फंक्शन नहीं है, बट ये सिर्फ डीएनए मेंटेनेंस में काम करता है, मेंटेनेंस में, या तो आप बोल सकते हो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम करता है, डीएनए
रेप्लीकेशन के अंदर काम करता है। तो यहां तक कि हमने क्वेश्चंस को रीड कर लिया, आपको पता होगा कि यहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया है, ठीक है। और स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर जो डे 100 डे का चैलेंज है, वो 100 डे के चैलेंज के कुछ क्वेश्चंस को आपको ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स के अंदर यहां पर आप हमारे ऐप से विद इन क्लॉक यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो। और जैसे ही आप सॉल्व करते हो, आपको पता है कि हमने एक प्राइस सीरीज भी रखी है, वो लास्ट में बताएंगे 100 डेज के बाद में कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ही कम टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आपको हमारे ऐप के ऊपर जाना है, हमारे ऐप के ऊपर जाकर यहाँ पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको 100 डे चैलेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर आपको विद इन टाइम के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप हमारे ऐप को इस बारकोड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप ऐप के साथ साथ सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को ग्रेप कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।